अपने लिए कोई कामकाज, कोई नौकरी ढूंढने में वेतन कितना महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सद्गुरु बता रहे हैं कि हमें अपनी गतिविधि की कीमत कैसे आंकनी चाहिए। प्रश्न यह है कि मेरे पास चुनने के लिए एक ऊंचे वेतन वाली नौकरी है और दूसरी तरफ वो काम है जो मुझे वास्तव में पसंद है पर जहां वेतन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इन दोनों में से मैं किसे चुनूं? तो सद्गुरु कहते हैं कि आपकी लायकी या कीमत क्या है, यह सिर्फ इस दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, इस दृष्टि से इसका आकलन होना चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं यह विशेष बात नहीं है, विशेष बात तो यह है कि आपको कुछ नया बनाने, निर्माण करने की स्वतंत्रता है। धन हमारे जीवन का साधन है, अतः इस दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन आपको अपना मूल्यांकन हमेशा इस दृष्टि से करना चाहिए कि आपको क्या करने के लिए कहा गया है, किस स्तर की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, कुछ खास, कुछ ऐसा जो वास्तविक रूप से कीमती है, स्वयं अपने लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए निर्माण करने का कितना अवसर आपको उपलब्ध है। इस संसार में आप जो कुछ भी काम करते हैं वह सही रूप से तभी कुछ विशेष है, कीमती है, जब आप अन्य लोगों के जीवन पर गहराई से उस कुछ अच्छा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं तो क्या आप ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगे जो कोई देखना ही ना चाहे? क्या आप ऐसा मकान बनाना चाहेंगे जिसमें कोई रहना ही ना चाहे? आप ऐसा कुछ भी नहीं बनाना चाहेंगे जिसका कोई दूसरा उपयोग ही ना करना चाहे, क्योंकि किसी ना किसी अर्थ में आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों के जीवन पर अच्छा असर पड़े। कई लोग अपना जीवन कामकाज और परिवार के बीच बांट लेते हैं। उनके लिए कामकाज सिर्फ धन कमाने के लिए है और परिवार ऐसी जगह है जहां वे दूसरों के जीवन को छूते हैं, उन पर असर डालते हैं। लेकिन यह भाग सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये जीवन के प्रत्येक भाग के लिए होना चाहिए। आप कुछ भी करें उससे लोगों के जीवन पर अच्छा असर पड़ना चाहिए, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितनी गहराई से दूसरों के जीवन को छूते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें किस हद तक आपकी भागीदारी है। अगर आप अंदर तक गहरे उतरे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप जिस तरह से काम करते हैं वह अलग ही होगा और आपको आपकी योग्यता के अनुसार पैसा मिलेगा। कभी कभी आपको कुछ मोल भाव करना पड़ सकता है और वेतन वृद्धि के लिए मांग भी करनी पड़ सकती है। शायद आपकी कंपनी को इस बारे में आपको याद भी दिलाना पड़ सकता है, पर सामान्य रूप से यदि लोग समझते हो कि उस विशेष कारोबार या कंपनी के लिए आपकी क्या कीमत है तो वे आपको उसके अनुसार वेतन देंगे। आप जो कर रहे हैं उसमें अगर आप तरक्की करते हैं तो किसी समय पर जब जरूरी हो तो आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे पर जा सकते हैं और आपको मिलने वाला पैसा 10 गुना भी बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी के प्रमुख हैं और किसी कारण से वे आपको पर्याप्त पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने आपको कंपनी चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रखी है। अब अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं और दुनिया देख रही है तो कल कोई भी आपको किसी भी कीमत पर लेने को तैयार होगा। तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी कीमत को हमेशा पैसे की दृष्टि से ही आंका जाए। लोग बड़ी कंपनी, बड़े नियम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम मिलकर वो कर सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। हम सभी व्यक्तिगत उद्यमियों के रूप में काम कर सकते थे और हम लंबे समय से इसी रूप में काम करते रहे हैं। हर व्यक्ति किसी वस्तु या उत्पाद या व्यापारी होता था,
लेकिन जब हम हजारों लोगों की इच्छा शक्ति को एक ही दिशा में मिलकर उपयोग में लाते हैं तो वह एक ऐसा निगम होता है जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। इस कंपनी में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप में जो विश्वास दिखाया गया है, उसका स्तर ही वास्तव में आपकी कीमत तय करता है। आप इसमें से किस हद तक धन कमाते हैं वह महत्वपूर्ण है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। आपको अपनी कीमत हमेशा उस जिम्मेदारी की दृष्टि से आंकनी चाहिए जो लोग आपको देने को तैयार है और जो आप बना रहे हैं। क्या वह आपके लिए और दूसरों के लिए वाकई कीमती और महत्वपूर्ण है?